कृपया ये खतरनाक स्टंट घर पे ना करे वरना। कैसी हो रही है चाय? दोस्तों मैंने सोचा था कि मैं पतली हो जाऊंगी लेकिन फिर होली आ गई। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होली मना रहे होंगे और गुजिया बना रहे होंगे। तो हमारे यहाँ भी बन रही है गुजिया दोस्तों, जो कि बसंती आंटी के यहाँ पे बन रही है। क्योंकि हमारे ऐसा होता है कि आस पड़ोस के जितने भी लोग होते हैं वो एक साथ मिलकर गुजिया बनाते हैं, तो उसमें तो और भी ज्यादा मजा आ जाता है। तो दोस्तों होली है, तो होली में कुछ डिफरेंट करने का भी मेरा मन था, तो हम करने वाले हैं एक जबरदस्त प्रैंक जो कि मैंने आज तक कभी किया नहीं है। लेकिन अभी तो हम कह सकते हैं ना कि बुरा न मानो होली है, कुछ भी करके ऐसा बोल दो कि बुरा न मानो होली है, लेकिन प्रैंक का आइडिया ही नहीं आ रहा था। तो फिर निगिन फैमिली को तो आप जानते होंगे, तो उनसे मैंने पूछा क्योंकि वो अक्सर ऐसे प्रैंक्स करते रहते हैं जिसमें मजा आता है, तो उन्होंने मुझे एक प्रैंक सजेस्ट किया है, तो मैं ट्राई करती हूँ एक प्रैंक करने का। तो प्रैंक कुछ इस तरह से है कि मैं बनाने वाली हूँ चाय, और चाय कुछ इस तरह से बनाने वाली हूँ कि कुछ चाय तो बहुत अच्छी होंगी जैसे कि होती है, और कुछ चाय होंगी बिल्कुल ही कलचुनी, मतलब कि कलचुनी समझते हैं, और मतलब कि काली चाय, मतलब गंदी चाय। तो पहले मैं देखती हूँ कि कैसे कैसे करके मुझे गंदी और अच्छी चाय बनानी है, और फिर देखना है कि रिएक्शन लोगों का, कि कलचुनी वाली चाय वाली आंटी बोलती है कि नहीं कि यार तूने कैसी चाय बनाई है, ये शर्म के बारे नहीं बोलती है। ये तो टाइम ही बताएगा कि कैसे होते हैं रिएक्शन, पर बहुत मजा आने वाला है इस प्रैंक में। तो चलो, तो चाय बनानी तो आप सबको आती होगी, नहीं आती तो मैं बता देती हूँ। ये है पैन और ये है पानी, और इसमें आप डालेंगे चाय पत्ती, चीनी, दूध, और बन जाती है हमारी चाय। तो काली वाली चाय के लिए मैं पहले चाय निकाल देती हूँ इस पे। बेचारी यार, किस पे जाएगी ये वाली चाय? तो इस चाय को यार और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं इसमें डालूंगी कुछ नमक, डाल देती हूँ ना, मिर्च भी डाल दूँ, पकड़ी जाऊंगी भाई साहब जब पिएगा इस चाय को, आज पता नहीं क्या होगा। चलो अब बाकी चाय बनाती हूँ मैं। आज तो मजा आने वाला है, कुछ ज्यादा दूध तो नहीं पड़िया भाई, बहुत दिनों बाद बना रही हूँ चाय। ये भी कलचुनी चाय लग रही है मुझे, यस। और इस चाय को और भी ज्यादा खतरनाक बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे नमक। ला 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 ला, ये तो काढ़ा से भी खतरनाक है, लेकिन हमें इसमें थोड़ा सा दूध तो मिलाना ही पड़ेगा वरना। हाँ, थोड़ी सी मैं इसमें चाय मिला देती हूँ, ये वाइट वाली, तब तक ये चाय लगे, यस। तो गाइस हमारी चाय तैयार हो गई है, मतलब कि कलचुनी वाली भी और अच्छी वाली भी। और जो कलचुनी वाली है ना, उसको मैंने टेस्ट किया, वो जहर जैसी हो रही है। भले मैंने आज तक जहर नहीं खाया, मगर होता ऐसा ही कुछ होगा, तो मैं आपको दिखाती हूँ कलचुनी चाय और फिर अच्छी वाली चाय। तो ये हमारी चाय के कप तैयार, और ये जो कलचुनी चाय है ना, उसका कलर भी ज़्यादा मतलब डिफरेंट नहीं लग रहा है, तो इससे शक नहीं होगा, इस वाले प्रैंक में मैं बच जाऊँगी, मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सी कलचुनी है और कौन सी नॉर्मल है। तो हमारी चाय के कप तैयार हो गए, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस प्रैंक के लिए, पहली बार कर रही हूँ। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने प्रैंक की ओर, और वहाँ पे गुजिया भी बन रही है, तो आपको पता चल जाएगा हमारे कैसे बनाते हैं गुजिया, और चाय कैसे पिलाते हैं, और होली कैसे मनाते हैं। लेट्स गो। तो दोस्तों बसंती आंटी के यहाँ मैं पहुंच चुकी हूँ, और देखिए कितने प्यार से चारों आंटियाँ। हाँ, और बताओ हमारे यहाँ क्या होता है कि इतने प्यार से लोग रहते हैं ना, कि हम चाय बना के, मतलब कोई चाय बना के आएगा, कोई कुछ करेगा, तो ऐसे मिल बांट के पता ही नहीं चलता है ना आंटी काम का, बिल्कुल पता ही नहीं चलता, इतने प्यार से सब लोग रहते हैं ना। तो मैं भी चाय बना के, मैंने भी अपना काम कंप्लीट कर दिया, और अब मैं चाय दे रही हूँ, ठीक है आंटी, चाय ले लो। अरे मुझे लगा चार ही लोग हैं यार। आप ही लो, मैं तभी पी। नहीं नहीं मम्मी आप ही पी लो यार। तो यार टेस्ट करके तो बता दो कैसी है, मतलब पी लो। अच्छी लग रही है, सोने का अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर है, अच्छी लग रही है आंटी, अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी। मम्मी डाला आपने अदरक? हाँ डाला है। अच्छा कैसी लग रही? सुंदर लग रही चाय, और दिखा दे, बहुत अच्छी लग रही। बहुत ही सुंदर गदगदी चाय मैंने बनाई है। दिखाना हाँ,
अभी मैं आपको गुजिया प्रिपरेशन भी दिखाऊंगी, बट ये लोग चाय नहीं पी रहे, आपके वो होगा कि चाय पी के भी दिखाए, तो चलो सब चाय पियो। एक एक ये वाली आंटी नहीं पी रही है, पीनी पड़ेगी आपको। पियो 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 पियो, अरे कोई बात नहीं, पियो कोई बात नहीं, पियो 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 पियो, झूठे तो करण गिलास है। कैसी है ये चाय? चाय में मीठा कम है बेटा, मीठा कम है, बढ़िया शुगर हो तो बढ़िया, इसे मीठे बनाया तो ने मीठा कम डाला, अच्छी है ऐसे। अरे बड़ी करूंगी आंटी, आपको कैसी लगी? अच्छी लगी सोनिका, सुन तो पहले पक्का अच्छी लगी, बड़ी करूंगी ऐसी होती है आंटी। आप बढ़िया बन रखी, अच्छी और पियो फिर, अच्छी हो रही है पक्का, अच्छी हो रही है, क्योंकि मैं ज्यादा अच्छी चाय नहीं बनाती ना। बड़े आंटी आप बताओ, सच सच बताओ कैसी होनी चाहिए? अच्छी हो रही है चाय, झूठ बोल रहे हो। थैंक यू सोनिया, गद गदी वैसे चाय भी है, थैंक यू थैंक यू। हमने भी गुजिया बना ली थी, वही यार कितनी सारी गुजिया बना ली, अब बारी बारी से हम एक दूसरे के घर में बनाएंगे गुजिया, जैसे आज इनके घर में, कल इनके घर में, परसों इनके घर में। अब पुन्नु की शादी होने वाली है, और ये हमारी पुन्नु है, उसकी शादी शादी ये, और इनकी शादी में हम खूब धमाल मचाने वाले हैं। यस, तो आंटी ने तो चाय पी ली है, आधी भी कर ली है, पर ये वाली आंटी नहीं पी रही यार, पी लो पहले चाय पी लो, इनको अच्छी नहीं लग रही, मुझे लग रहा है चाय अच्छी है। सोनिका एक बात बताओ, सच बताओ, मन की बात, मुझे पूनम की जब से सगाई हुई बहुत खुशी, और अब मुझे एक खुशी और चाहिए मुझे कि सोनिका की सगाई कब हो जाए, हो जाएगी हो जाएगी, एक साल छह महीने, ये तुम्हारे दो दो चाय, प्रेम ज्यादा है ना, मीठा मीठा सबको सही लग रहा है, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा, थोड़ा कलछुड़ी नमकीन, किसी को नमक तो नहीं लग रहा किसी को, प्रेम से बना रखा तो नहीं है। वैसे बहुत सारे लोग चाय में नमक भी डालते हैं, लेकिन हम नहीं डालते। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यार नमक वाली चाय कैसे पीते हुए यार, कैसे पीते हुए यार, सोच के ही मतलब अजीब सा हो रहा है मुझे, नमक वाली चाय कैसे लोग यार नमक नहीं डालते। आंटी आपको क्या लगता है नमक वाली चाय कैसी होती होगी? नमक वाली तो अच्छी नहीं होती, तो आप कैसे पी रहे हो नमक वाली? आप अभी नमक वाली पी रहे हो? वो अच्छी हो रही है, वो प्यार से है ना, प्यार से बनी है ये। अब बताओ सबको बताओ कैसी हो रही है, सच सच अच्छी नमक वाली चाय, प्यार से बनी यार, कितनी प्यारी आंटी बोल रही है। इनके पास आई है नमक वाली चाय, लेकिन वो कुछ आंटी आपको पता चला और कुछ नहीं बोल रही, दो बार इन्होंने सिप ले लिए, पर इन्होंने कुछ नहीं बोला आंटी। ये होली प्रैंक था, बुरा ना मानो, पर यार पर आंटी आंटी आपने बोला क्यों नहीं, इन्होंने बोला क्यों नहीं, वो तो मैंने कहा कि कुछ लोग नमक वाली चाय बनाते हैं। अच्छा आपको ऐसा लगा सब कुछ नमकीन? मैंने नहीं समझ पूरा नवा होली है। अरे यार आंटी आंटी सो क्यूट, आंटी ने इसीलिए नहीं बोला ताकि मुझे बुरा ना लगे, तो ऐसी होती है हमारी। मैं था जो भूल गया चिंगारा वो नमक डाला, पिए जा रही पिए जा रही बेचारी, भाई ने सुने सोने का मजा भी बढ़िया लगा तभी ना 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 ना। अरे मैं समझ गया नमक मैं अच्छी नहीं डाला, भूल गया पहले मिलपो ना था, अब मैं बोल रही नमक के धरे मिला, अब मैंने बोलो भाई तो मान गए, मैंने पूरी पिलवा दी थी पर ये पी नहीं रही थी और कुछ बोल भी नहीं रही थी, तो मैंने जानबूझ के, अरे तूने प्यार से बनाई थी कैसे बोलना था कि गंदी है ना, प्यार से बनाई थी तूने, सो क्यूट। तो दोस्तों ये था प्रैंक, और होली है तो पूरा ना मानो, होली है ये। तो आंटी सॉरी, हाँ मैंने आपको नमकीन चाय पिलाई, कोई बात नहीं तो देखो अभी फीलिंग चल रही है ना गुजिया की,
आंटी अगर तुम थे मिल जान नमकीन चाय तो तुम के बोलन चाहिए अरे यार आंटी भाई आनी चाहिए थी। तो भाई हो गया प्रैंक, अब मैं भी कर लेती हूँ काम क्योंकि बहुत सारी गुजिया बनानी है हमें। आंटी ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जैसे कुबेर की दंत नहीं हो रही। वही यार हमने इतने सारे बना भी दे हैं लेकिन आंटी जी ये खत्म नहीं हो रहा है। हम थक गए पर ये खत्म नहीं हो रहा बिल्कुल। हमारे हाथ हो गए लाल। एक बजे से बना रहे हम इसको। एक बजे से पांच बजे कितने टाइम लगेगा आपको क्या लग रहा है? अभी सात बजे एक घंटा दो घंटा लगेगा। और टोटल कितनी गुजिया बनेंगी? ये 600 बन जाएंगी। 600 तो 600 गुजिया कितने घंटे में बनती आज हमें ये पता चलेगा है ना आंटी। फाइनली हम आगे के प्रोसेस में पहुंच गए है ना आंटी जी। बिल्कुल ये देखिए आग जल रही है और इस तेल में मेरा फोन रिफाइंड तेल है। यस अब नहीं डाल रहे आप ऑलिव ऑयल? ये ऑलिव ऑयल आप डालेंगे। ये ऑलिव ऑयल टेस्ट के लिए। अब कितना टाइम लगेगा आंटी टोटल? ये लगेगा अभी 2 घंटे लगेगा। अभी 2 घंटे और लग जाएंगे ना। तो दोस्तों क्या आपने इस चूल्हे में गुजिया बनाई है हमको जरूर बताना। ये हम गैस भी बचा रहे और आग की गुजिया खाएंगे हम। यस कभी फोन न पुके जाए। ये देखो आंटी जी मजा आने च बहुत बढ़िया मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम जैसे अपने गांव में सही में। तो हम लोग जैसे कि मैंने बताया मार्केट में रहते हैं लेकिन हमने सोचा कि हम गांव वाले स्टाइल में ही करेंगे पूरा काम है ना आंटी जी। तभी तो ज्यादा मजा आता है। और ये हमारी गुजिया बनके एकदम तैयार। ये वाली आंटी पता नहीं चल रहा कौन कच्ची है कौन रंग से पता नहीं चल रहा कौन कच्ची है और कौन पक्की है। तो ये वाली पक्की गुजिया ये वाली कच्ची गुजिया और बड़ा ये आप उधर भी दिखा दिया और ये है हमारी पुन्नू। और पुन्नू की शादी होने वाली है उसको नीचे कमेंट सेक्शन में कांग्रेचुलेशन बोला। तो आंटी जी आज तो इतने थक गए तो आप खाना भी बनाना है कि गुजिया खा के सो जाना है? खाना बनाएंगे रोटी सब्जी। ये वाली आंटी बोली थी कि नहीं बनाएंगी खाना अब। बनाएंगे थोड़ा सा गुजिया से पेट भर देंगे। गुजिया बन गई और अंकल जी सबसे पहले पहुंच गए खाने। अंकल जी टेस्ट करके बताओ कैसी है? यार आंटी जी आपसे कितना प्रेम करती है हर जगह। कैसी आ रही है? मीठा कितना है? आंटी जी के प्यार से ज्यादा मीठा हो रहा है मतलब लिमिटेड है वैसे। ओवर नहीं है लिमिटेड है। अच्छी हो रही है ना आंटी? मस्त डन हो रही है। वाह वाह आंटी आपने भी खाई ना कैसी हो रही है? बढ़िया हो रही है। बढ़िया हो रही है फर्स्ट क्लास। दोस्तों मैंने सोचा था कि मैं पतली हो जाऊंगी लेकिन फिर होली आ गई। हाँ मैं रख रही हूँ। अब मुझे इसे बांटना है, मुझे इसका अलग अलग करना है, 4 हिस्से करने इस गुजिया के। बड़ा मजा आएगा है ना आंटी? हाँ बिल्कुल जी। तो पहले हम 100-100 अलग कर रहे हैं ना आंटी? 100-100-100 4 हिस्से करने हमें। 1 2 4 5 6 7 8 आंटी कितना लग रहा है आपको? कितना हो गई? मुझे लग रहा है 800 होंगे। 800 600 से आप 800 पहुंच गए। तो ज्यादा बन गए। चलो तो मैं काउंट करती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ कितने हुए। तो 204 हिस्से हमने कर दिए है और जितना आंटी ने अंदाजा लगाया था ठीक उतने ही निकले है ना आंटी? 800 निकले हैं। हाँ ये एक्स्ट्रा है देखो ये हमारे एक्स्ट्रा बच गए हैं ये। तो आंटी कैसा लग रहा है सुबह की मेहनत हमारी? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है ना अपने घर की फ्रेश चीज। हाँ एकदम प्योर है कुछ नहीं है। तो घर का गुजिया का यही स्वाद होता है दोस्तों की मतलब अपने खुद बनाई होती है अपने स्वाद अनुसार और मजा कुछ और ही आता है। इसलिए बोलते हैं घर की गुजिया। जब हम बाहर होते हैं तो घर की गुजियाओं की याद आती है। हमें गुजियों के लिए घर आ रहे स्पेशल हम इन गुजियों के लिए घर आ रखे। तो ये देखो बन गई हमारी गुजिया। आपने बनाई कि नहीं बता? आंटी को सबसे दूर जाना है ना इसलिए आंटी पहली चली जाएगी। बाय हैप्पी होली आंटी। तो आंटी का भी टब भर गया अब दूसरी विदाई इनकी। बाय बाय अपनी कंडी लेके जा रहे और ये हमारी कंडी भी तैयार हो गई है। यस
तो दोस्तों लास्ट में हम तीनों बज गए, सब अपने अपने घर चले गए क्योंकि उनका दूर घर था, है ना, हम पास में। ये तो हैप्पी होली बोल दे सबको, हैप्पी होली सबको, आप भी ऐसे गुजिया मनाए प्यार से, खुश रहो, मस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, सही बात है। तो अब हम मिलेंगे डांस में, होली डांस में, बाय।